नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं रैपिड 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के फूसगढ़ इलाके में खड़े हैं, जहां पर बता दें कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम यहां पर है। और बता दें कि जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं एक पैलेस के अंदर, जहाँ पर फिलहाल रागिनी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। और यहाँ पर कुछ ही देर में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंचने वाले हैं। साफ तौर पर आपको दिखा दें सामने की ओर, लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए दरवाजे के ऊपर धरती को यहाँ पर पहुँचते हुए। और आपने पहले ज़्यादा से ज़्यादा शोर शुरू करें तो आप देखने वाली बात होगी कि आज यहाँ पहुँच कर क्या कुछ जो है वो अपने भविष्य की बारे में, यानी कि कांग्रेस का क्या भविष्य है, उस बारे में क्या कुछ बताते हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि कुछ जो नेता हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो कुलदीप शर्मा है मौके पर पहुंचे हुए हैं और अन्य जो नेता हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल आपसे अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जिस तरीके से फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग भी फिलहाल कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर पहुँचने वाले हैं। तस्वीरों में कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए हैं और कुछ ही पलों के अंदर वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुँच चुके हैं और आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं करनाल के फूसगढ़ के अंदर, जहाँ पर एक पैलेस में जो है कार्यक्रम रखा गया है, रागिनी कार्यक्रम, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले भविष्य को लेकर क्या कुछ बताते हैं। हालाँकि लोग उनके स्वागत के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं अन्य नेता, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं बकायदा पूरी सिक्योरिटी जो है वो आसपास ध्यान रखते हुए आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तस्वीरों में। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, आने वाला भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये देख लीजिए तस्वीरों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुँचे हुए हैं और आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर जरूर करें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत में सारे ही लोग जो हैं वो उन्हें फूलमाला पहनाकर जो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो सिक्योरिटी है उसका भी पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पर सभी जो लोग हैं उन्हें फिलहाल स्टेज पर जाते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस देश के किसानों की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नारा थोड़ा सा चौधरी आप देख सकते हैं लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद हम सभी साथी और अन्य जितने नेता हैं सभी उनका स्वागत करते हुए देख सकते हैं। जो सुचारू रूप से चला सके है वो कुलदीप शर्मा है, उनके बिल्कुल साथ में ही जो है बैठे हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है इस कार्यक्रम के अंदर जो है जो आगामी जो चुनाव होने वाले उनके बारे में भी कुछ बताते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल एक कार्यक्रम रागिनी कार्यक्रम यहां पर रखा गया उनके स्वागत के लिए और उसी में वो पहुंचे हुए करनाल के फूसगढ़ के अंदर। अब जो अन्य नेता हैं कांग्रेस के वो भी फिलहाल मौके पर हैं। साथियों और माननीय बुजुर्गो, भाई बोलनों पर ध्यान देना। आप रागड़ी सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे, मगर बोलनों पर ध्यान देना। हाँ जी सर, जो माइक पर खड़े हैं मैं इनसे प्रार्थना करूंगा। हाँ सर प्लीज सुनिए जरा, भाई उड्डा साहब को देव भाई जो तने हरियाणा बचाना हो, एक वोट दे के तूने अपना फर्ज भुगाना हो। हुड्डा साहब को जाओ भाई जो तने देश बचाना हो, एक एक वोट दे के तूने अपना फर्ज भुगाना हो। आपको बता दें जो पार्षद है पप्पू लाठर वो जो है अच्छा दिन है, मैं चार शब्द जो है वो बोल रहे हैं कार्यक्रम के बारे में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज इनके चरण हमारी गांव की जमीन पे पड़े हैं,
ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो ये एक स्वतंत्रता परिवार के खानदान का खून दौड़ रहा है। इनके जो दादाजी से चौधरी माथुराम जी, वो भी स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। उनका एक ही मकसद था कि हम इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ेंगे, और उस टाइम कुछ नेता भी थे वो कहते नहीं, हम तो अंग्रेजों के साथ मिलकर मंत्री बन गए, फिर सुधार करेंगे, अंग्रेज नहीं जानते, इनका तो सारी दुनिया में राज है। लेकिन वो आदमी था वो कहता था नहीं, एक न एक दिन जो हमने लड़ाई शुरू करी है, भगत सिंह जी के जो फादर थे उनके चाचा थे जी सिंह जी, उनके साथ मिल गए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको काड़े पाने की भी सजा हुई थी। और उसके बाद चौधरी रणबीर हुड्डा जी, उन्होंने कई साल जेड़े काटे आजादी की लड़ाई के लिए। उसके बाद फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दस साल हरियाणा में जो राज रहा, इतना अच्छा, भी कर्मचारी भी खुश, व्यापारी भी खुश, और मजदूर भी खुश, और किसान भी खुश। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था हरियाणा में जो जिससे जनता इतनी ज्यादा खुश हो। और एक वार्ड नंबर 3 में 16 सिस्टम लगा जाए, और मैं इकलौता पार्षद वार्ड का उपेक्षा का शिकार है, सरकार करेगी वो तो नेचुरली है, लेकिन मैं बाबू जी के भरोसे पे एक बात आप लोगों को कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूसगढ़ जो गांव है उसकी तरफ से उन्हें जो पगड़ी पहनाकर जो है उनको सम्मानित जो है वो किया जा रहा है, और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय जो अशोक अरोड़ा है वो भी लोगों को संबोधित करते हुए, आपके हर समय आपके साथ रहने वाले आपके दुख सुख के साथी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय पंडित कुलदीप शर्मा जी, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भाई मेवा सिंह जी, मैं करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो कुलदीप शर्मा है वो भी संबोधन करके सभी को ही जानकारी देते हुए कि मान सम्मान देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ निमंत्रित कर ये मान सम्मान हमें दिया। आदरणीय साथियों, हवाओं का रुख पलट रहा है, आप देख रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। जब भी सरकार लोग बनाते हैं तो उससे बड़ी आशाएं हो, बहुत बड़े वायदे करके सरकारें लोग बनाते हैं, लेकिन जब वो सरकार जनता के विश्वास पर खरी ना उतरे, जनता का विश्वास जब टूट जाता है तो निराशा आती। यही कारण है कि आज हरियाणा के हर एक वर्ग में, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, किसान है, नौजवान है, मजदूर है, या और कोई वर्ग है, सभी वर्गों में आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति निराशा का रुख के लिए अपनी माँ, अपनी धरती माता को छोड़कर विदेश में जाने के लिए विवश। ये माहौल 8 साल में बन पा, कहा तो ये गया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी प्रतिवर्ष, कहां है वो नौकरियां? कहा तो ये गया था कि महंगाई को लगाम दी जाएगी, क्या महंगाई पर लगाम लग गई? आज कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। अभी आजमपुर का चुनाव होने जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो खुद अपना लोगों को संबोधन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई जिनका आपने भाषण सुना भी, भाई कुलदीप शर्मा जी, और पूर्व अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी,
और नरेंद्र सांगवान जी, भीमचंद मेहता जी, पंडित जीराम शर्मा जी और हमारे क्षेत्र से आए लाडवा से विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, रघुवीर संधू जी, अनिल राणा जी और पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी और आज के आयोजक हमारे साथी पप्पू लाठर जी और संचालन कर रहे हरिराम जी व उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, देखिए इन्हें पप्पू लाठर साहब ने ठीक कहा तो इन्हें चाय के लिए था और ने कर दी पूरी जनसभा। चलो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबसे मिलने का मेरे को मौका दिया। लेकिन जो आज ये आप सब एकत्रित हुए हैं, ये आज बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों? आज चुनाव तो नहीं है कहीं, लेकिन आगे जो चुनाव होने वाला है डेढ़ साल दो साल में, उसका शक यहीं से बज गया, फूसगढ़ से है। ऐसा लगता है मेरे को शुरुआत यहीं से होगी और यहाँ की आवाज पूरे हरियाणा में जाएगी। बातें तो सारी कही इन्होंने, मेरे पूर्व साथी बोले, अशोक अरोड़ा जी बोले, भरत कुलदीप शर्मा जी बोले, इन्होंने बताई क्या क्या समस्याएं हैं। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, ये जो मौजूदा सरकार है हरियाणा की, गठबंधन की सरकार, ये जब बनी, जब मैंने कही थी विधानसभा में, कहा था कि भाई ये सरकार जो बनी है ये नीतियों पे आधारित नहीं है, ये तो स्वार्थ में है, स्वार्थ की सरकार है। क्योंकि एक तो कहता था 75 पार, दूसरा कहता था इनको करो यमुना पार, स्वार्थ में बन गए दोनों यार। क्यों भाई, तुम्हारी नीति मिलती नहीं, विचार मिलते नहीं, बात मिलती नहीं, फिर इस बात का गठबंधन। बोला हमने कॉमन मैनिफेस्टो बनाएंगे, कॉमन वो करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। आज तक तो बना नहीं इनका, आज तक तो कोई इनका आपस में ऐसा कोई नहीं, बस ये है महकमे बांट लो और महकमे बांट के लूट मचा लो। आप ईमानदारी से बताओ, मैं बहुत निंदा करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ हरियाणा में किसी से भी बात करता हूँ, वो नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला जबरदस्त है, एक नहीं है भाई। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सरकार बनी। सरकार का काम होता है जन का विकास, जनहित, जनहित का एक फैसला है सरकार नहीं कर सकती। देखिए 2005 में हमारी सरकार बनी, उस टाइम 66 से लेके 2005 तक, 2014 तक हमारी सरकार चली, 2014 तक, 66 से 14 तक हरियाणा पे कोई 70,000 करोड़ के करीब कर्जा था, जबकि 2005 और 14 के बीच में कितनी तो यूनिवर्सिटी भाई बनाई हमने, क्या आपका एक कल्पना मेडिकल कॉलेज लगा लो, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन लगा लो, आप ये वहाँ पे आप पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लगा लो, यहाँ महिला यूनिवर्सिटी सोनीपत में लगा लो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लगा लो, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज लगाओ, मेवात में मेडिकल कॉलेज लगाओ, एम्स लगाओ, IIM लगाओ, आप वहाँ इंदिरा जी के नाम से यूनिवर्सिटी रिवाड़ी में देख लो, जींद में यूनिवर्सिटी चौधरी बंसी सिंह के नाम से, भिवानी में यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल के नाम से, हिसार में यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय के नाम से, और सिरसा में एक छोटे से थोड़ी सी उसमें चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बना रखी थी, आज राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनी। आप कहीं घूम के देख लो, इनके समय में 8 साल हो गए, एक यूनिवर्सिटी बता दो। सबसे पहले क्या था कि कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज बनाया था हमने, उसका नाम बदल कर हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नाम नहीं बताना चाहिए था, कोई महान आदमी है उसके नाम और कोई बड़ी संस्था रखते, नहीं चलो वही कदर। तो अब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी भाई 8 साल में। तो सबसे पहला काम था, जो सबसे पहले अनाउंसमेंट थी,
कोई ऐसी सड़क बता दो, एक यूनिट बिजली का वो नहीं बनाया। हमने चार तो पावर प्लांट बनाए कोल पे, एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया। आप किसी भी में देख लो, और ये सबके इधर से लेके उधर तक जो है सब हमारे समय की ये मंजूर और टिकटिंग हुई हुई है। इनकी एक सड़क निकल के सड़क बंद कराने का काम करते हैं। दादू तुम्नल भी नहर हमने खोदी, इन्हें हटवा दी। मतलब कोई कोई ऐसा काम एक बता दो, काम कुछ नहीं। कर्जा कितना हो गया 14 से लेकर अब तक? 3.5 लाख करोड़। 3.5 लाख करोड़ कर्जा आज हमारे एन ए पर। क्यों भाई क्यों कर्जा हो गया? क्योंकि इन्होंने एक नीति अपना ली। एक चारवाक होते थे, चारवाक वो ये कहते थे भाई कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। उस नीति पे चल रहे, कर्जा ले रहे, आगे चला रहे। 1,82,000 आज सरकारी नौकरी खाली है जो इन्होंने लगाई। 1,82,000 50-60,000 तो जेबी टीचरों की खाली, कहीं भी देख लो आप। ये तो परिस्थिति है। किसान का देख लो क्या हाल है। आज डेयरी जब दे के जाता है वो बना दे टोकन बना दो, पोर्टल खोल दो, पोर्टल खोल दो, कभी कभी पहचान पत्र बना लो, इन चीजों में लगे हुए हैं। अरे पोर्टल पोर्टल, पहले नहीं किसान का वो धान बिकता था क्या मंडी में, या गेहूं नहीं बिकता था? आज बाजरा बाजरे की एमएसपी नहीं मिल रही, एमएसपी नहीं मिल रही। घोटाले पे घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी काय का घोटाला है कि सरकार भैया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मौजूदा सरकार के ऊपर कई सारे जो है आरोप लगाते हुए, जिस तरीके से जो युवा है उन्हें नौकरी जो है वो नहीं मिली, इसके अलावा काफी सारे ऐसे काम थे जो करने वाले थे, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो या फिर लोगों की आम जिंदगी के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है उसको लेकर, तो इन सभी मुद्दों पर जो है वो फिलहाल साफ तौर पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपने देखा कि ठीक इसी जगह पे ही जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पहुंचे हुए हैं, और अभी फिलहाल उन्होंने मौजूदा सरकार के ऊपर कई सारे आरोप जो है लगाते हुए, क्योंकि जो कुलदीप शर्मा है उन्होंने भी आरोप लगाए, और साथ में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि उनके समय के अंदर उन्होंने क्या कुछ जो है लोगों के लिए किया था। और ऐसे में फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी कि क्योंकि ये राजनीति का खेल है, इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन अब भविष्य के अंदर जो है मौजूदा सरकार ही रहेगी या फिर जो है इसके अंदर कुछ बदलाव जो है वो आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।